फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे चिकन लीवर कसा या फिर करी का रेसिपी कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो चिकन लीवर को आपको मैरिनेट करना पड़ेगा कम से कम एक घंटे के लिए लेमन सॉल्ट और टर्मरिक देके। उसके बाद ये चिकन लीवर जो है इसको अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लीजिएगा। डीप फ्राई करके इसको साइड में रखिएगा। अभी कढ़ाई पे कुकिंग ऑयल डालिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन, गार्लिक, स्वाद अनुसार चिली, अदरक, ये सब पेस्ट हम लोग एक साथ दे देंगे और थोड़ा सा जीरा और तेजपत्ता जो है आपके पास आप दे सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से पका लीजिएगा। ये जो प्याज है इसको जब तक लाल नहीं हो जाए तब तक इसको कुक करते रहिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पहले में ये जो पेस्ट है इसको बना के रख दिया था हम लोग ने, इसमें था थोड़ा सा मस्टर्ड, थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा जीरा पाउडर और चिली पाउडर जो हम लोग पानी देके थोड़ा सा सेट किए। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी भी हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं और चिली पाउडर भी। फ्रेंड्स, हम लोग जो ये चिकन लीवर कसा करी बनाने जा रहा है इसको आप दो तरह से भी बना सकते हैं, चिकन देके भी बना सकते हैं और खाली चिकन लीवर देके भी। तो हम लोग दोनों मिक्स करके बनाएंगे, आप आपका चॉइस जैसे रहेगा उस हिसाब से बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा फ्राइड पोटैटो भी डालेंगे क्योंकि ये होम स्टाइल है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पोटैटो जो पहले हम लोग फ्राइड करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद ये जो चिकन लीवर जो फ्राइड करके रखे थे हम लोग पहले उसको ऐड कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तकरीबन हो चुका है हम लोगों का चिकन लीवर कसा करी रेसिपी। थोड़ा देर इसको पकाना देना है। हम लोग चिकन का पीस भी इसमें डाला, लेग पीस सब देख सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो चिकन का जो पीस है इसको हटा के खाली चिकन लीवर देके भी बना सकते हैं। आप चाहे तो पोटैटो भी नहीं दे सकते हैं। देखिए अब कैसे हो गया, कम से कम 20 मिनट हम लोग इसको पका रहे थे। देखिए कैसे ऐसा ऐसा कलर चेंज हो रहा है, ऐसा ऐसा बहुत ही डिलीशियस होम स्टाइल चिकन करी, चिकन कसा, चिकन लीवर कसा बोल सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो है आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा जब आप लोग उतर दिन चूल्हा से अपना। कजिन है, कजिन
तो फ्रेंड्स ये है चिकन लीवर कसाबकारी रेसिपी।